नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बेटुमा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार की मुख्यमंत्री लाली बहना योजना की शनिवार से शुरुआत हुई। सीएम शिवराज जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शाम करीब 7 बजे सिंगल क्लिक के माध्यम से 25 करोड़ लाली बहनों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। इस दिन और समय को यादगार बनाने के लिए सभी जिलों में अनेक गतिविधियों के साथ उत्सव का माहौल था। बेटमा के इंदौर रोड स्थित एक निजी गार्डन में इसके लिए एक विशेष आयोजन रखा गया था, जिसमें क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज पटेल, देपालपुर एसडीएम रवि शर्मा, नायब तहसीलदार हर्षा वर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष, अधिकारी गण, भाजपा कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। सबसे पर बेटमा नगर की पात्र लाली बहनों को मंच से स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। जबलपुर में शनिवार की शाम लाली बहना योजना की पहली किश्त के हस्तांतरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैंने वर्तमान में 1000 रुपए की मासिक सहायता के साथ ये योजना शुरू की है। धीरे धीरे मैं इस योजना के तहत राशि बढ़ाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि आपको बताया कि सिंगल क्लिक से पूरे प्रदेश की जो लाली बहना बनी है उनका खातों में सिंगल क्लिक से सभी के खातों में 1000 रुपया जाएगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट है प्रदेश स्तर पर और इस अमाउंट में कहीं गड़बड़ी हुई हो गई हो या कहीं लीकेज हो गया हो। तो हमने सबसे कहा भी है कि जिनके खातों में पैसा नहीं पहुंचे वो 1-2 दिन में हमसे संपर्क करें। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षदगण या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करेंगे या अधिकारीगण से संपर्क कर लें तो उन वो कमी पूरी करके हम उनके खातों में राशि डलवाएंगे। नई योजना है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देशानुसार पूरे शासकीय अमले के द्वारा इसमें लगातार प्रयास किया गया। और देपालपुर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो लगभग 37,000+ ग्रामीण क्षेत्र की लाडली बहना इसमें हमने पंजीकृत कराई है। हमारा देपालपुर, गौतमपुरा और बेटमा जो नगरी क्षेत्र हैं इसमें भी लगभग 2700, 2800, 2800, 2500 इस मान से हमने लाडली बहना पंजीकृत कराई है और सभी को सिंगल क्लिक के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनके अकाउंट्स में 1000 रुपीज़ पर मंथ के साथ क्रेडिट किया गया है। तो आज हमारे यहाँ पर लगभग पूरा काम हो गया है, DBT इनेबलिंग का भी और आधार लिंकिंग का भी, जो एक की फैक्टर था अकाउंट में सीधा हितलाभ ट्रांजिशन होने का। देपालपुर ब्लॉक का अच्छा उसमें काम रहा, सभी शासकीय कर्मचारियों का उसमें अच्छा योगदान रहा है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग से बड़ी संख्या में शासन के निर्देशानुसार टर्नआउट आया और हम इतनी बड़ी संख्या में पंजीयन कर पाए। आज बेटमा नगर में माननीय हमारे लाडले पूर्व विधायक मनोज जी पटेल के नेतृत्व में बहना योजना का शुभारम्भ हुआ। इस बहना योजना के अंदर बेटमा नगर के अंदर 2350 बहनों को स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। ये स्वीकृति पत्र 2350 कहने के हैं लेकिन हर साल यहाँ पे 2,82,00,000 रुपए बेटमा नगर की बहनों को उनके खातों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो इन्होंने अपनी बहनों के बारे में इतना अच्छा सोचा। आज बहनों की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उसके लिए किसी के ऊपर उन्हें आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, वो अपने पूरा छोटे छोटे खर्चे इस राशि के तहत वो पूरा कर पाएंगे। हम बेटमा से खबर समय जगत के लिए सुनील मेघाया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।